तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज की स्टूडियो में आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली में घूमने की सबसे पॉपुलर स्पॉट्स में से कुतुब मीनार। और मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री शेयर करने वाला हूँ हिंदी में, और साथ ही साथ यहाँ की टिकट प्राइस, टाइमिंग्स, लोकेशन, यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार की लोकेशन है साउथ दिल्ली महरौली में। यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन भी आपको कुतुब मीनार का पड़ेगा। ये आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से, 20 रुपये पर सवारी में आप यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ के टाइमिंग्स की बात की जाए तो वो होंगे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। इस वक्त हम कुतुब मीनार की पार्किंग में खड़े हैं, और यहाँ पर जो पार्किंग है वो पेड पार्किंग है, और ये सारे पार्किंग चार्जेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, घंटे घंटे के हिसाब से पार्किंग है, और सारी पेड पार्किंग है। यहाँ पर काफ़ी फॉरनर्स आए हैं यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे टिकट काउंटर है, जस्ट अंदर एंटर करके आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। और यहाँ पे भारतीय टूरिस्ट के अलग चार्जेज़ हैं और फॉरेन टूरिस्ट के अलग चार्जेज़ हैं। भारतीय टूरिस्ट के अगर आपने ऑफलाइन टिकट लेनी है तो उसके यहाँ पे 40 रुपये के कैश के चार्जेज़ हैं, और ATM डेबिट कार्ड से टिकट लेने पर आपको 5 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 35 रुपये पर पर्सन की टिकट आपको पड़ेगी। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाईफाई, टिकटिंग, बुकलेट्स और व्हीलचेयर असिस्टेंट आपको अंदर मिल जाएगी। ऑडियो गाइड के लिए आप ये QR कोड स्कैन करें और इनसे टिकट भी ले सकते हैं आप। देखिए कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए बेटर है आप सस्ती टिकट लें ऑनलाइन। ये देखिए यहाँ सामने से ई टिकट भी आप अपनी बुक करवा सकते हैं। ये देखिए ये हमने ई टिकट लिया, इसका QR कोड स्कैन करके हमारी एंट्री हो जाएगी। 3 लोगों की हमने टिकट लिया। यहाँ पे ये भी लिखा है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की एंट्रियाँ बिल्कुल फ्री है, यानी अगर आपके साथ कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी एंट्रियाँ फ्री है। और फॉरेन टूरिस्ट की 600 रुपये की कैश की टिकट है, और ATM डेबिट कार्ड या ऑनलाइन टिकट लेने के 550 रुपये पर पर्सन की टिकट आपको पड़ेगी फॉरेन टूरिस्ट की। ये क्लोक रूम है यहाँ सामने, क्लोक रूम के 2 रुपये पर बैग के चार्जेस हैं, बैग अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। इसके साथ यहाँ पे एक कैंटीन भी है कुतुब मीनार के, यहाँ भी आप कई चीज़ें खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं कैंटीन से। तो यहाँ सामने से एंट्री है कुतुब मीनार की, और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है कुतुब मीनार। तो एंट्री हमारी हो गई और अब चेकिंग होगी। तो कुतुब मीनार के अंदर बाहर का खाना लेकर जाना अलाउड नहीं, और कुछ और भी चीज़ें जो लेकर जानी अंदर अलाउड नहीं। बाकी मोबाइल फ़ोन आप अंदर लेकर जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं। थोड़ा सा आपको आगे जाना होगा, और आपको कुतुब मीनार के साथ साथ कई गार्डन दिखेंगे और कई चीज़ें दिखेंगी, आपको सब दिखाएंगे इस वीडियो में। आप इस कुतुब मीनार के ऊपर जा नहीं सकते, बाकी अंदर यहाँ ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक वगैरह आप लेके आ सकते हैं, ऐसा इशू नहीं कि वो सब चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं। और यहाँ पर खासकर फॉरनर्स बहुत लोग आते हैं, दिल्ली के बाहर से भी कई लोग यहाँ पे आते हैं, और फ़ोटोशूट करने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है, ये बहुत बढ़िया जगह है फ़ोटोशूट करने के लिए, काफ़ी पुराने टाइम का है। देख सकते अंदर यहाँ वाईफाई भी है, और यहाँ पे ये लिखा है कि आप इसे स्कैन करके गाइडेड टूर भी ले सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। बाकी जगह जगह पर ऐसे आपको ये सारी रिटन इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, हिस्ट्री की, कुतुब कम्प्लेक्स की, और बाकी जो भी मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी। काफ़ी बड़ा चलने फिरने का एरिया है यहाँ पे, छोटा मोटा एरिया नहीं है। ये देखिए ये रहा सामने कुतुब मीनार, और इधर ये लिखा है कि बहुत बहुत चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलाई मीनार है, इल्तुतमिश टॉम्ब है, और देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंशन है, मुग़ल गार्डन है यहाँ पे, मेजर स्मिथ कुपोला है यहाँ, इमाम ज़मीन टॉम्ब है, अलाई दरवाज़ा है यहाँ पर, मॉस्क भी है एक यहाँ पर, यानी कई चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, सब लिखा है यहाँ। जैसे कुतुब मीनार को यहाँ पे लिखा है 1191 में शुरू की थी, 1199 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1210 में कुतुब मीनार जब चल गए थे इल्तुतमिश ने इसको 1220 तक बनवाया, उसके बाद मॉडिफिकेशन चलती रही तो 1235 से चलती रही। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद में और मॉडिफिकेशन कराई थी, और अंग्रेज आए थे उन्होंने और मॉडिफिकेशन इसके अंदर कराई थी, तो वैसे मॉडिफिकेशन होते होते बनती गई। आज जैसी कुतुब मीनार दिखती है आज से 400-500 साल पहले से नहीं दिखती थी। कुतुब ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, ये रहा सामने कुतुब मीनार, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। जगह जगह पे ऐसे आपको बैठने के लिए एरिया से मिल जाएगी,
ये देखिए यहाँ बैठ के, ये सामने कुतुब मीनार। तो साथ साथ आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, ये साइड पे भी एरिया है, हम यहाँ साइड पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवा ली या कहीं और फ़ोटो क्लिक करवा ली। कुछ कुछ लोग यहाँ पे हिस्ट्री जानने के लिए आते हैं और कुछ कुछ लोग यहाँ फ़ोटोशूट करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जैसे मतलब किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है, तो फिर वो ये देख के जाते ही हैं। देखिए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कितना बढ़िया तरीके से पुराने टाइम में से बनाया गया। तो इधर भी काफ़ी कुछ है देखने को, सामने भी बहुत कुछ है, बहुत बड़ा एरिया है ये। तो ये है इमाम जामिन का मकबरा, सारी जानकारी यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है और साथ में यहाँ पे इंग्लिश में भी सारी जानकारी लिखी हुई है। अलाई दरवाज़ा पीछे है और इमाम जमीन स्टॉम यहाँ सामने है। मैं 4-5 बार आ चुका हूँ कुतुब मीनार, लेकिन मैंने इस साइड आके कभी भी नहीं देखा था। ये इमाम जमीन स्टॉम है, ये जो अलाई दरवाज़ा है ये बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है ये। इस तरफ एक पार्क सा बना हुआ है, इधर से भी एंटर कर सकते हैं, या सामने से भी ब्रिज सा बनाया हुआ है जहाँ से एंटर कर सकते हैं। अलाई दरवाज़ा से निकलते हुए जाते हैं हम कुतुब मीनार की तरफ, पहले एक ब्रिज सा आएगा। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए पूरा ऊपर तक, इधर से भी नीचे उतर सकते हैं। चार तरफ से एंट्रेंस है इसके, और इस तरफ से कुतुब मीनार दिखेगा। और नीचे उतरते हैं, बिल्कुल साथ में है कुतुब मीनार के, बिल्कुल साथ में अलाई दरवाज़ा। तारी हुई है ये जैसे, हाँ ये पता नहीं शायद इसका कुछ काम चल रहा है या फिर वैसे टूट गया था। इस तरफ ये अलाई दरवाजे के बारे में लिखा हुआ, बहुत लंबी हो जाएगी ना वीडियो, इसलिए थोड़ा मैं आपको दिखाई देता हूँ जो आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं। ये कुवैत उल इस्लाम हाउस के साउथ का गेट है अलाई दरवाज़ा। पुराने टाइम में देखिए किस तरीके से ये सारे डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते थे। यहाँ अंदर आपको व्हीलचेयर फैसिलिटी भी मिल जाएगी और DSLR अंदर लेकर आने के कोई भी चार्जेस नहीं है। तो यहाँ सबसे पास आप जा सकते हैं कुतुब मीनार के, तो वो यही एरिया, मतलब इसको टच करना मना है। ये सारा गोल चक्कर का एरिया जो जिसके पास आप जाके सारा ये कुतुब मीनार देख सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों से बनाया गया मीनार है, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है पूरे दुनिया में। देखिए ना कितनी बारीकी से बनाया हुआ। और यहाँ से पहले एंट्री होती थी, कुछ सालों पहले यहाँ से एंट्री होती थी, लेकिन अभी के टाइम एंट्री बंद हुई पड़ी है। और रात होने पर यहाँ लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। सारी जानकारी लिखी है कुतुब मीनार के बारे में, यहाँ ये लिखा है कि कुतुब बिन ऐबक ने स्टार्ट किया था इसे बनाना। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टोन टावर है, यानी ईंटों से बनाया गया टावर है। और इसकी जो हाइट है वो है 238 फीट और अंदर 379 स्टेप्स हैं, 379 स्टेप्स। और एक तो यहाँ पे एक बहुत कमाल की मैं बात आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो हाइट है वो ताजमहल से 5 फीट कम है, 5 फीट कम है इसकी हाइट। अंदर जाना मना है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अंदर से आपको ये कैसे दिखेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। इधर यहाँ बैठने का एरिया, ये देखिए इन पे बैठ के आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। बिल्कुल सामने आए कुतुब मीनार के, इस वाले गार्डन में जाना मना है। वो देखिए प्लेन बिल्कुल सामने से गया कुतुब मीनार के। कुछ लोग शायद अंदर जाना चाह रहे हैं और ये साथ में फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, देख कैसे बहुत ही ऊंचा, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। एक गेट सा बना हुआ है जहाँ से निकल सकते हैं बाहर।
बट अभी एंट्री बंद करी हुई है इन्होंने। और ऊपर वाला ये भी है, और एक सबसे ऊपर वाला देखिए, बहुत ही ऊंचा मीनार है ये कुतुल इस्लाम मस्जिद। इधर यहाँ हिंदी में लिखा है, उस तरफ वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ। कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए पूरा इंटैक्ट है। साइड पे मिल जाएगी आपको बैठने की जगह। ये देखिए टूटा हुआ ना, इस ये रहा सामने कुतुब मीनार। चलिए अब यहाँ सामने चलते हैं कुतुब इस्लाम मस्जिद में। अंदर देखिए कितने बारीकी से यहाँ काम किया गया, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे कुछ रिस्टोरेशन वर्क है जो चल रहा है इस वक्त। देखिए ये सारा एरिया है, आप फोटो खिंचवा सकते हैं। उधर ऊपर भी एरिया, ये रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, और साथ में यहाँ पे है आयरन पिलर, फेमस आयरन पिलर है, सारा आयरन पिलर है, बिल्कुल बीचों बीच दिखेगा आप, सारा आयरन से बना हुआ है। आप जो जो हिस्से टूटे पड़े थे ना, उनको रिस्टोर किया जा रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर आप दिल्ली आते हैं तो ये जगह तो आपको ज़रूर देख के जानी चाहिए, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता ना। तो अब इस तरफ से निकलते हैं, वह ऐसे ब्रिज से बनाए हुए हैं ऊपर नीचे जाने के। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, आप अब हम यहाँ चलते हैं अलाई मीनार, और यहाँ का इतिहास आपको बताते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया एक्सटेंशन है। ये सब आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स में दिख जाएगा। तो ये एक कुआं है, आपको कुआं दिखाने जा रहे हैं। सामने कुआं है, ओ काफ़ी गहरा भाई साहब, ये बहुत गहरा कुआं है, बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है। कितना गहरा है ये देखिए, बहुत ज़्यादा गहरा है कुआं। सब पुराने टाइम का है ना, सब पुराने टाइम का, और तो उस टाइम में भी कितना मजबूत इन्होंने चीज़ें बनाई थी। अब आपको अलाई मीनार दिखाने जा रहे हैं। अलाई मीनार का रास्ता इस तरफ से आता है, ये कुतुब मीनार से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास में ही है। तो ये जो अलाई मीनार है, ये एक अनफिनिश्ड मीनार है, इसका काम रोक दिया गया था। तो इसका डिसाइड किया गया था कि ये कुतुब मीनार से डबल साइज़ का बनेगा। जी हाँ, कुतुब मीनार से डबल साइज़ का बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होने के बाद इस टावर के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, और इसकी जो हाइट है यहाँ पर लिखी हुई 24.5 मीटर, 24.5 मीटर इसकी हाइट है। और ये रहा सामने अलाई मीनार, अलाई मीनार की तरफ वैसे इस तरफ से जाते हैं, लेकिन ये एरिया बंद किया हुआ है इन्होंने। और इसकी जो वो गोल चक्कर वाली एरिया है ना, ये भी बहुत बड़ी है। इधर से भी आप जा सकते हैं ऊपर, उधर से भी, ऐसे चार रास्ते शायद बना रखे हैं। ये रहा सामने अलाई मीनार, और वो रहा पीछे कुतुब मीनार। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का मतलब था कि जो वो बनाएगा उससे उसकी पावर झलकनी चाहिए, तो अगर कुतुब मीनार बनी तो वो उससे दुगनी मीनार बनाएगा यहाँ पे। तो 1311 में उसने मलिक कफूर को कहा था कि जो उसका, बहुत पुरानी बात है, बहुत 1311 में, मतलब इसको बनाओ। वो भाई लड़ाकू आदमी था, उसको इंटरेस्ट नहीं था बनाने में, तो उसने 5 साल बनाई, 1316 में वो मर गया था। तो एक फ्लोर ही बनी, उसके बाद बंद हो गया। बड़ा का ये बन भी जाती तो कोई फायदा नहीं था, हिसाब से इसको बनाने का स्ट्रक्चर था ना, पूरा कमजोर स्ट्रक्चर है, एक ऊपर एक पत्थर लगा रखे हैं, तो ये गिर जाती है अगर ये बनती तो, बनती भी नहीं, बट ठीक है भाई, ये बनाए इतना बनाए। तो फिर बनाई क्यों नहीं आ गया उन्होंने, इंटरेस्ट नहीं था ना किसी को,
किसी को इंटरेस्ट नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को इंटरेस्ट था। उसके बाद जैसे वो मरा उसके बाद उसको छोड़ देगा, एक फ्लोर बना के छोड़ देगा, बनती भी नहीं, कितना कमजोर स्ट्रक्चर है, मिट्टी मिट्टी लग रही है, मैंने भी दूर से देखा वो तो भी एक अलग अट्रैक्शन है ही है, एक हाँ देखने वाला सबको तो कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगा, कलेक्शन में देखने को तो मिल जाएगा। वो देखिए तोते भी हैं यहाँ पे, तोते हैं काफी, इस पर सारा टाइम ये तोते ही चीजी चीजी करते रहेंगे और साथ में प्लेन की आवाज आती रही। देखिए हो गया तोता, ये अलाई मीनार का सबसे आगे का मेन एंट्री गेट बनाया हुआ, और इसके अंदर का एरिया देखिए कैसा सा, इसके अंदर ऑब्वियसली कोई अभी जा नहीं सकता। ये कितने सुंदर फूल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कभी देखा है ऐसा फूल ये है टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, सारे आप हिस्ट्री जान सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं और साथ में आप हिंदी में लिखे हैं। देखिए तोता कैसे छुप के बैठा हुआ है एक ये रहा एक ये रहा। बारीकी से बना रहा है, ये बीच में मार्बल है और साथ में यहाँ पे ईंटें हैं। इसके नीचे अब जाएंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए आपको वहाँ सामने से जाना होगा। देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं कुतुब मीनार के साथ। कुछ स्ट्रक्चर हैं जो डैमेज हो गया था, कुछ कुछ है जो इनकम्प्लीट रह गया था। ये सबसे बेस्ट एंगल है कुतुब मीनार के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने का, एक तरह से दूसरी तरफ जाने का। अब यहाँ सामने है खलजी का मकबरा, खलजी स्टोम, ये जो सारा एरिया देख रहे हैं अब ये खलजी का मकबरा। बहुत बहुत बड़ा एरिया कुतुब कम्प्लेक्स का, हम भूल भुलैया सा है एक तरह। काफी बड़ा कुतुब मीनार के इस तरफ, खलजी के मकबरे के इस तरफ एक चलने का एरिया बनाया हुआ है और एक पार्क सा है, इधर बैठने के लिए भी जगह। टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह काफ़ी कुतुब मीनार, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो दिन आना अवॉइड ही करें यहाँ पे आप। ये देखिए व्यू कितना बढ़िया है यहाँ से, और इस पार्क के स्तर देख कितना बड़ा है, गार्डन सा बना है, बहुत बड़ा है। सारे ये कंडे हैं स्पेस प्लांट में, आगे एलोवेरा और कई ऐसे पौधे हैं। तो ये सामने एक्चुअली एंट्री है और एग्जिट दूसरी तरफ से होगा। मतलब अपनी टिकट अपने साथ रखनी पड़ेगी, अगर खो दी तो 100 रुपये जुर्माना है। अच्छा अच्छा तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो।